उपचुनाव हारने के बाद भी पूर्व विधायक इमरती देवी जनसेवा के लिए सक्रिय रही हैं। उपचुनाव में जनता से सड़क और नहर बनाने का जो वादा किया था वो सीएम शिवराज सिंह चौहान से कहकर पूरा करवाया है। बिलोआ भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक में पूर्व मंत्री इमरती देवी शामिल हुई, जिसमें उन्होंने उपचुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डबरा आए थे, जिन्होंने कहा था कि इमरती देवी जीत जाएगी तो जो घोषणाएं की गई है वह सभी कार्य हो जाएंगे। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी मैंने सीएम साहब से उपचुनाव में जो वादे किए थे उनको पूरा करने की बात कही। उसी के परिणाम स्वरूप मंत्री ने नहर का काम शुरू करवा दिया। साला और रोड बनवाते, जब कमलनाथ जी ने तो एक साल हम मंत्री रहे तो आपका क्षेत्र में हम इसलिए नहीं गए कि जब हमने इतने बोले सब चीजें और हम नहीं करवा तो कौन से मुंह से जाए। अब किसी बात की स्वीकृति नहीं ना, तो अब सब लोग तो कहेंगे तुमने तो कही थी जे बनवाएंगे वो बनवाएंगे, कहाँ भर रहा हो। और एक साल हमारी इसी में चली गई उठा पटक में कि का होता है का होता है। लेकिन सम्मानीय ज्योतिराय सिंधिया जी जब भारतीय जनता पार्टी में गए और भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद 6 महीना के लिए हम भारतीय जनता पार्टी में भी मंत्री रहे और 6 महीना में हमने यही वादे किए थे कि हमने जो अपने क्षेत्र में काम बोले हैं अगर वो काम हो जाएंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे और अगर हमारे काम नहीं भए तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमें बारकरी जिगनिया नहर की स्वीकृति दी, हमें महाविद्यालय की स्वीकृति दी, 6 महीना में हमारे उदलपाड़े का रोड की स्वीकृति दी। ऐसे कई रोड हैं हमारे, चाहे जतत्ती का रोड हो, लोहगढ़ का रोड हो, खोड़न का रोड हो, बेरू का रोड हो, अपने बारकरी जिगनिया कुछ किरोल किटोरे से अपने सीधे जे देवगढ़ वगैरह को रोड जुड़े हैं, सारे रोड की उनने पूरी हमें स्वीकृति दे दी। बाकी बाद में मंजूर तो उनने कर लिया, लेकिन जब चुनाव हार गए तो खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम अगर काम नहीं, इमरती देवी नहीं जीती तो मैं कोई काम नहीं करूंगा। आप में से कई जने हते कि आप कही थी कि नहीं कही, यही कही मुख्यमंत्री जी ने, और इमरती देवी जीत जाएगी तो हम जरूर काम करेंगे। लेकिन जब हम महाराज को लेके और मुख्यमंत्री जी ने बैठे, हमने कही साहब ठीक है हम हार गए और काम अगर नहीं करना है आपको तो आप अपना प्रत्याशी भी ढूंढ लो, आगे चुनाव में भी तो जाने हमें, अगर काम नहीं होंगे तो फिर जनता को का जवाब देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी बारकरी जिगनिया की रोड एवं नहर काम चालू है, 1.5-2 महीना काम चालू हो गए, भगे तक अपनी खुदती खुदती नहर भगे तक आ गई है और पूरी क्षेत्र में हमारी नहर जल्दी से जल्दी हमसे भगे के कुछ कहा कि जी नहर बंद करवा दो ना, तर हम 50-60 जने बैठे हैं, अगली बार आपको घाटा आ जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व विधायक इमरती देवी के चुनाव हारने के बाद भी सक्रियता के कारण इलाके के लोगों को नहर की सौगात मिल पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, डबरा।